तो आगे की घुमक्कड़ी में हम पहुंच चुके हैं परशुरामपुरा फोर्ट, जिसको जयगढ़ फोर्ट भी कहते हैं, और यहाँ के ओनर श्री विजय सिंह जी हमारे साथ हैं। कैसे हैं सर, क्या हाल चाल है? बस अच्छा है। अब बताइए सर, इस फोर्ट का थोड़ा सा इतिहास हमें। हाँ, ये 250 साल पहले का बना हुआ है। 250 साल पुराना है? हाँ, 250 साल पुराना। तो इसको किसने बनाया था, कितने दिन लगे थे, ऐसी कोई जानकारी है अपने पास? हाँ, ये प्रताप सिंह जी नाम थे। हाँ। मेरे ग्रैंड फादर। अच्छा, उन्होंने बनाया था। कितने टोटल रूम है इसमें? इसमें 12-13 रूम है। अभी आपकी फैमिली रहती है घर? हाँ, एक मेरी रहती है। और वो वाला जो हिस्सा दिख रहा है हमें, वो? हाँ, वो मेरे ताऊ जी के लड़के गए जो बीकानेर है, करनी भवन पैलेस मैनेजर। और हमने जो शांति विला का वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भतीजा ही है मेरे, वो इनके भतीजे ही हैं, संग्राम सिंह जी, जो हमें मिले थे। उस दिन भयंकर बारिश हो रही थी। एक फैमिली है हमारी उनकी। ये देखिए, जयगढ़ फोर्ट परशुरामपुरा। चलो दोस्तों, हमें परमिशन मिल गई है, विजय सिंह जी ने हमको बहुत अच्छे से वेलकम किया है। और ये देखिए आप, ये जो बैठक है, पुरानी बैठक है, पुराना शेप भी है। ये जो घोड़े पे हैं, ये विजय सिंह जी के दादू साहेब उदय सिंह जी के, और ये विजय सिंह जी के फादर साहब हैं। और जो तलवार लिए हैं, ये छाव श्री के अपने राम बनास है, जो होली रेड्डी है। ये गेस्ट रूम बैठक है ना? हाँ जी। ये देखिए, तो आज भी वैसे ही सेटअप है जो उस टाइम हुआ करता था। ये देखिए आप, अभी हम इस फोर्ट के ऊपर वाले हिस्से में जा रहे हैं, शानदार यहाँ पे रिहायशी इलाका है। और यहाँ पे ये देखिए हमारे जाएगी, यहाँ पे जो ये यूनिक पेंटिंग है, अपन देख सकते हैं, सारे कलर ओरिजिनल हैं, इनमें कोई रिटच नहीं किए गए। और जहाँ पे प्रोटेक्शन है, वहाँ पे पूरी चित्रकारी एकदम डार्क है। ये पूरी फ्रेस्को पेंटिंग है। हाँ जी, हर तरह के आपको हिंदू माइथोलॉजी के फिगर यहाँ पे मिलेंगे। जैसे वहाँ पे आप देख सकते हैं, कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठा रखा उन्होंने। अभी हम फोर्ट के मर्दाना महल में पहुंच चुके हैं। ठाकुर फतेह सिंह जी द्वारा बनाया गया, तकरीबन 250 साल पुराना। ये एकदम शानदार आर्किटेक्चर है, विद बेल्जियम ग्लासेस जो विंडो है एयर सर्कुलेशन के लिए। यहाँ से अपन बाहर से पूरा दृश्य गांव का देख सकते हैं, जो मैनचर फोर्ट में था वैसा ही है। और यहाँ पे आप उन सीलिंग पे यूनिक पेंटिंग देख सकते हैं, सब ओरिजिनल पेंटिंग, इनमें कोई रिटचिंग नहीं है। और ये बेल्जियम ग्लास का झूमर भी है, ये सारे बेल्जियम ग्लास है। आपने एक खास बात देखी कि इनके जो दाढ़ी रखने का स्टाइल है, वो अलग अलग एरा का दिखा रहा है कि 150 साल पहले ऐसे था और 200 साल पहले ऐसे थे। श्री बहादुर सिंह जी महाराज, ये सत्य सिंह जी महाराज है। ये पेंटिंग्स कितनी पुरानी है विजय सिंह जी? उसी समय की, तकरीबन 200 साल पुरानी होंगे ना? अब आप ये आपके पूर्वज थे? ये माधव सिंह जी सीकर है। अच्छा, ये है माधव सिंह जी, वो थे, वो है फतेह सिंह जी जिन्होंने बनवाया था। ये फतेह सिंह जी है जिन्होंने ये, और ये बहादुर सिंह जी है, ये फतेह सिंह जी से बड़े भाई थे, आधा पोर्शन उस साइड का उनका। तो उनके जो पोर्शन है, उनके बेटे वो कहाँ रहते हैं अभी? वो बीकानेर है, जयपुर। अच्छा, आपका सगे भाई? अच्छा, यहाँ पे अभी जो बीकानेर दरबार है गंगा सिंह जी, बीकानेर से, वो होशियारपुर के हैं। होशियारपुर पंजाब? नहीं, हाँ जी, रायपुर। ये पेंटिंग देखो, वो फ्रेस्को पेंटिंग उसी टाइम की है। और ये बेल्जियम ग्लास जी, दिन में सूरज की रोशनी से चमकता था और रात को दियो की रोशनी से।
तो दोस्तों आगे की यात्रा में हम आप पहुंच चुके हैं खिरोड़ गांव में, और हमें एक गांव में एक रिहायशी हवेली दिखाई दी है। मोंटू बन्ना हमारे साथ है, मैं सिंह। गुड मॉर्निंग। तो आज की जो हवेली है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हवेली, आप ये बाहर बड़े गेट देख सकते हैं, बहुत रेयर बड़े गेट मिलते हैं अपने को, और पूरा मोस्टली 180 ईयर ओल्ड बिल्डिंग है। कुछ इन्होंने नया कंस्ट्रक्शन भी बनवा लिया है, अभी भी ओरिजिनल फ्रेश को जो है अपन देख सकते हैं इधर पे। ये फूड कलर की बनी हुई है। हाँ, और ये जो बिल्डिंग है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग थी, हवेली है, लेकिन हवेली हमेशा दो चौक की होती थी। ये आप देख सकते हैं, एक चौक की हवेली है, ऊपर झरोके वगैरह हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर मिलेंगे, कार्विंग डोर नहीं है यहाँ पे। अभी हवेली के ऑनर है महिपाल सिंह जी, वो ऑनर है, उनकी फैमिली यहीं रह रही है। ये देखिए बाहर बैठक है, पूरा डिफरेंट है, ये जो बैठक हुआ करती थी, जो बनियों की हवेली थी, इससे डिफरेंट है ये। हाँ, गणेश जी है स्टोन कार्विंग में, और जो ये अंदर ये जनाना डोडी आ गई, तो उसमें भी आप देख सकते हैं अच्छी नक्काशी है, लेकिन सिंपल गेट मिलेगा। जो हवेलियाँ अपन ने पहले देखी थी अपने मंडावों में, नावलगढ़ में, वहाँ पे 7 फ्रेम डोर होता है। अच्छा, इसमें एक ही चौक है। हाँ, एक चौक की हवेली डिफरेंट है, और दरवाजे आपको पूरे डिफरेंट मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और ये दीवार आगे जो भी जनाना है, ये बाहर से जो भी एक्टिविटीज है वो यहाँ से देख सकते थे, और बाहर से अंदर नहीं दिखता था। आप युवराज सिंह जी हैं, महिपाल सिंह जी के लड़के, ये यहाँ पे रह रहे हैं। अभी इसमें कोई रहता है क्या? ऊपर जा सकते हैं? ऊपर उसी तरह पहले टॉयलेट बाथरूम वगैरह नहीं होते थे, उसमें बाद में उन्होंने मॉडिफाइड किया हवेली को रिहायशी के लिए। तकरीबन इस हवेली का पीरियड 180 ईयर ओल्ड है। कुछ फोर्ट का लुक आता है, जैसे ये गन पॉइंट वगैरह दे रखे हैं। चलिए फिर आगे की यात्रा में आगे की दूसरी हवेली दिखाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा इतना था नहीं कि हम आपको दिखा सके। फ्रेस्को पेंटिंग है, फ्रेश फ्रूट कलर और सब्जियों से बनी हुई कलर है। धन्यवाद जीवराज जी आपका। ये आप जो अभी मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक बालाजी का मंदिर है, और ये मंदिर ही बचा है अभी, बाकी का दृश्य आपके सामने है, नज़ारा आपके सामने है कि क्या हालत हो गई है यहाँ पे। अभी हम सीकर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर खिरोड़ गांव में हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोहन इस कदर हुआ है कि ज़मीन के नीचे भी तकरीबन 400 से 500 फीट खोद दिया गया है। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, और इसके 4 से 5 किलोमीटर से दूर यहाँ से एक सीमेंट फैक्ट्री बन रही है, श्री सीमेंट की, पर इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये नॉर्मल बिल्डिंग के लिए, लोगों के लिए यहाँ से दोहन किया गया है, पत्थरों का निकाले गए हैं। तो देख लीजिए उस टाइम पे ये पहाड़ इतना ऊंचा हुआ करता था, और आज ये है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ आगे की यात्रा में, दिखाते हैं शेखावटी के गांव आपको। तो अभी आगे की यात्रा में हम आपको दिखाने जा रहे हैं धर्मशाला, कि पुराने ज़माने में धर्मशालाएं कैसी होती थी। आगे की जानकारी हमें महेंद्र सिंह जी देंगे। ये एक बड़े चौक की धर्मशाला है, जो बनियों द्वारा बनाई गई है, पूरा इसको मॉडिफाइड कर दिया गया है, और अभी भी इसमें अच्छी फैसिलिटी है, रूम्स की, टॉयलेट बाथरूम की, और यहाँ पे बारात वगैरह रुकती है। लेकिन जो पुराना समय था, उस समय ये कारवान के टाइम पर ये धर्मशालाएं वगैरह बनाते थे, और उस समय कोई होटल रेस्टोरेंट वगैरह नहीं था, तो यहाँ पे एक ही बहुत ही कम अमाउंट में जो भी व्यक्ति विशेष है वो स्टे कर सकते थे। ये कितने साल पुरानी होगी तकरीबन? ये नियरली 76 ईयर ओल्ड है, इसका पीरियड ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन आर्किटेक्चर डिफरेंट है, ऊपर से पूरा खुला है, एक चौक है लेकिन काफ़ी बड़ा है। जो ये पत्थर पे आर्किटेक्चर, पत्थर पे जो नक्काशी कर रखी है, ये रियल पुरानी है, उसके बाद में उन्होंने पेंट कर दिया है। ये आर्क बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने, और अभी भी आप लेस देन 100 रुपीज में यहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं। अच्छा, अभी भी रनिंग कंडीशन में है? रनिंग कंडीशन में। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं,
ये सीकर का एकमात्र एयर स्ट्रिप हवाई पट्टी है तारपुरा में। सीकर से 15-16 किलोमीटर दूर है, 3.5 किलोमीटर लंबी है एयर स्ट्रिप है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं।